जापान में एक इंसान ने अपने आप को कुत्ते में तब्दील कर लिया है। ये कुत्ता कैसे बना और इसको ये शौक कहाँ पैदा हुआ? दुनिया भर में वायरल होने वाले इस इंसान की तमाम तफसीलात आप इस वीडियो में जान सकेंगे। प्राइमरी स्कूल में बच्चों से पूछा गया कि वो बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं। किसी बच्चे ने कहा कि वो फौजी बनकर मुल्क की हिफाजत करना चाहता है, किसी ने कहा कि वो साइंसदान बनेगा और किसी ने कहा कि वो टीचर बनेगा। इनमें से एक बच्चा ऐसा भी था जो जानवर बनना चाहता था। इसने अपनी कॉपी पर लिखा कि वो बड़ा होकर कुत्ता बनेगा। इसकी बात पर किसी ने तवज्जो ना दी। उस बच्चे ने पक्का इरादा किया हुआ था कि वो बड़ा होकर कुत्ता ही बनेगा। बच्चा बड़ा हुआ, तालीम मुकम्मल की, अपने पैरों पर खड़ा हुआ। इसके बाद इसने अपने बचपन के ख्वाब को हकीकत का रूप देने का फैसला किया और एक दिन उसने 40 लाख रुपए खर्च किए और वाकई ही कुत्ता बन गया। दोस्तों, ये कोई फ़नी वीडियो नहीं है बल्कि ये एक हकीकतन वाकया है जो कि जापान में पेश आया। इस जापानी शख्स का नाम टोक्यो है। ये एक फर्जी नाम है। इसने 40 लाख रुपए से ज़्यादा खर्च करके खुद के लिए एक कूली नस्ल के कुत्ते का कॉस्ट्यूम तैयार करवाया है। ये कुत्ते साइज में बड़े होते हैं और जानवरों को हांकने के लिए काम आते हैं। भेड़ बकरियों के बड़े बड़े रेवर इस नस्ल का एक ही कुत्ता संभाल लेता है। टोको ने जापान की एक फंड से रब्ता किया जो कि ड्रामों और फिल्मों के कॉस्ट्यूम तैयार करते हैं, जिन्होंने 40 दिन की मेहनत के बाद इंसानी साइज का कॉस्ट्यूम बनाकर टोको के हवाले कर दिया। इसको इस तरह तैयार किया गया कि इसमें इंसान मुकम्मल तौर पर फिट आ जाए, यूं लगे कि वो कुत्ता ही है। ये कोई एक साल पहले की बात है जब टोको ने पहली बार कॉस्ट्यूम पहना। इसने इस अजीब शो को काफ़ी शोहरत मिली और इसे दुनिया भर में इसके चर्चे होने लगे। दुनिया हैरान थी कि इसे ये अजीब शो कहाँ से चढ़ गया। कुछ लोग इसे जहनी मरीज करार देने लगे। उसने कुत्ता बनने का शौक जारी रखा और कॉस्ट्यूम पहनकर घर में ही अपना शौक पूरा करता रहा। ये बगीचे में खेलता रहता और कुत्तों वाली हरकतें करता रहता था। ये कॉस्ट्यूम पहनकर चलता है तो इसकी चाल बिल्कुल कुत्तों वाली है। कोई नहीं कह सकता कि ये कोई इंसान है। आपको स्क्रीन पर जो शख्स नज़र आ रहा है ये इंसान ही है, लेकिन इसने जिस तरीके का अपने ऊपर कॉस्ट्यूम पहन रखा है और जो इसकी अदाएं हैं बिल्कुल कुत्ते की तरह हैं। इस शख्स ने एक साल कुत्ता बनकर अपने बगीचे में खेलता रहा, फिर इसने फैसला किया कि इसे बाहर भी जाना चाहिए। ये खातून के साथ बाहर निकला। खातून ने इसके गले में पट्टा डाल रखा था और चेन हाथ में पकड़ रखी थी। ये इस खातून के साथ बिल्कुल एक वफादार कुत्ते की तरह चलता रहा। लोग इतने बड़े कुत्ते को देखकर हैरान हो गए। इंसान तो दूर बल्कि दूसरे कुत्ते इतने बड़े कुत्ते को देखकर खौफजदा हो गए। कुछ देर वॉक के बाद ये घर वापस लौट गया। जब से इसने घर से बाहर वॉक शुरू की है तब से ये खबरों की जीनत बना हुआ है। लोग जानना चाहते हैं ऐसा इंसान कौन है जो कुत्ता बनना चाहता है। टोको एक फर्जी नाम है। ये अपनी शनाख्त दुनिया के सामने जाहिर करने के लिए तैयार नहीं है। टोको का कहना है कि उसे रद्द अमल से डर लगता है। इसकी फैमिली और दोस्तों में बहुत कम लोग ऐसे हैं जिन्हें इसके इस अनोखे शौक का पता था। जब उनको इसके बारे में पता चला तो वो हैरान रह गए। इसलिए वो सोचता है कि जब उसने अपनी हकीकत जाहिर की तो कैसे रद्द अमल का सामना करना पड़ेगा। टोको के काम की जगह पर इसके अजीब शौक से ला इलम है। टोको सारा दिन अपने कुली के साथ काम करता है, सूटेड बूटेड पहनकर ऑफिस जाता है और घर आकर फौरन कुत्ता बन जाता है और कुत्तों वाली हरकतें करता है।